हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 विच इज साइबर सेफ्टी हैज स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज मालवेयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर प्रोग्राम्स। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्दर टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 7। सो लेट्स स्टार्ट एंड द टॉपिक इज डैमेज कॉज्ड बाय मालवेयर। सो सम देयर आर सम डैमेज विच इज बिकॉज ऑफ मालवेयर प्रोग्राम्स रिजल्ट इन फ्रिक्वेंट फ्रीजिंग और क्रैशिंग ऑफ द सिस्टम। मालवेयर कैन एडवर्सली अफेक्ट द सिस्टम। इट मे स्लो डाउन द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और मे डिलीट डाटा स्टोर्ड इन फाइल्स एंड फोल्डर। तो अगर मालवेयर अटैक होता है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे आते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, आपका सिस्टम का प्रोसेस स्लो हो सकता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स या इंफॉर्मेशन होते हैं, डाटा होते हैं, वो डिलीट हो सकते हैं। हार्डवेयर फेलियर। अ वायरस कैन समटाइम्स काउज हार्म टू द सिस्टम हार्डवेयर एज वेल। तो आपके जो वायरस होते हैं, जो मान लीजिए सॉफ्टवेयर होते हैं, कभी कभी वो आपके जो हार्डवेयर होते हैं उन्हें फेल कर देते हैं, वो वर्क करना बिल्कुल भी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ डाटा। मालवेयर कैन डिलीट डिफरेंट यूजर्स डॉक्यूमेंट एंड कैन डैमेज डिफरेंट क्रूशियल फॉर द वर्किंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मालवेयर विच मीन मालवेयर सॉफ्टवेयर की वजह से आपके कंप्यूटर में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे यूजर्स के जो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको भी वो डिलीट कर दे या फिर डैमेज कर देते हैं। स्लोइंग डाउन द नेटवर्क स्पीड। मालवेयर कैन स्लो डाउन इन कंप्यूटर नेटवर्क बाय फ्लूडिंग द नेटवर्क विद डाटा इट कैन नॉट सपोर्ट। तो मालवेयर जो होते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो आपके नेटवर्क स्पीड को भी स्लो डाउन कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, वो मतलब ऐसे डाटा को फ्लूडिंग करते हैं, मतलब उसको सेंड करते हैं जो कि नेटवर्क बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। सो दैट्स बिकॉज इसी वजह से वो आपके नेटवर्क की स्पीड को कम कर देते हैं। अल्टर्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द रजिस्ट्री गिव्स ट्रैक ऑफ द सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अल्टरिंग द रजिस्ट्री इन्फॉर्मेशन कैन एडवर्सली अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द सिस्टम एंड इट्स परफॉर्मेंस। मालवेयर प्रोग्राम इज कैपेबल ऑफ अल्टरिंग विंडोज रजिस्ट्री। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक रजिस्ट्री यूज होता है, इसमें सिस्टम के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उनके पूरा एक उसको ट्रैक करके रखा जाता है। अगर इस रजिस्ट्री के जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको मॉडिफाई किया जाए तो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होता है वो इफेक्ट होता है। और मालवेयर प्रोग्राम जो होते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है, वो इतने कैपेबल होते हैं कि विंडो के रजिस्ट्री को वो अल्टर कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके। मॉनिटर यूजर सर्फिंग हैबिट्स। बिकॉज ऑफ मालवेयर सॉफ्टवेयर योर मॉनिटर विल बी ऑलवेज ट्रैकिंग। आपका जो मॉनिटर हमेशा ट्रैक हो सकता है। ए मालवेयर सेक्रेटली मॉनिटर द यूजर्स कंप्यूटिंग। दिस प्रोग्राम कैन कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज ट्रैकिंग द इंटरनेट सर्फिंग हैबिट एंड विजिटेड वेब पेजेज ऑफ द यूजर। तो जो मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मालवेयर होते हैं, ये सेक्रेटली आप यूजर्स का जो मॉनिटर होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन जो होता है, वो उसको ये ट्रैक कर रहे होते हैं आप, और इस वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर पाते हैं। लाइक इंटरनेट सर्फिंग हैबिट, आप इंटरनेट पे कौन कौन सी वेबसाइट एक्सेस करते हो, कौन कौन से वेब पेजेस को एक्सेस करते हो, ये सारा जो होता है, ये सारी चीज़ों को ट्रैक करके उसका इन्फॉर्मेशन एक रखा जाता है। स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय अल्टरिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स। इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अपडेटेड रेगुलरली द मालवेयर कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंड कैन अल्टर सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ द यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस अलाउज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज। तो होता क्या है कि अगर आप रेगुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है उसे अपडेट नहीं करते हो, तो मालवेयर जो होते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उनके पास एक चांस एडवांटेज हो जाता है कि वो आपके सिस्टम पे इंटर कर सके और सिक्योरिटी को वो आपके अल्टर कर सके, सिक्योरिटी सेटिंग जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के उसको चेंज कर सके, और इस वजह से अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होते हैं उनको ये मतलब फ़ायदा हो जाएगा, बेनिफिट मिलेगा कि वो आपके कंप्यूटर को, सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। सो दिस इज ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय मालवेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेफ्टी मेजर्स। मालवेयर अटैक्स नॉट लीड टू डाटा कॉन्फिडेंसली लॉस बट ऑल्सो अफेक्ट द वे इन विच आवर कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन। मालवेयर अटैक जो होता है, मालवेयर सॉफ्टवेयर अटैक, इसकी वजह से बस डाटा का मतलब डाटा कॉन्फिडेंशियल डाटा जो होते हैं, सिर्फ उनकी चोरी होना ही नहीं होता, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को भी, कई फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। मॉडिफाइड फाइल्स एंड प्रोसेसेस फ्रिक्वेंट फंक्शनैलिटी डिस्क्रप्शन। मॉडिफाइड स्पीड अशक्टा आर सम ऑफ द अदर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मालवेयर अटैक। लाइक आपके फाइल और प्रोसेस जो भी है उनको मॉडिफाई कर देना, उनमें कुछ चेंजेस ला देना,
फंक्शनली का जो उसका फंक्शन जो आपका कंप्यूटर करता है उसमें कुछ चेंजेस ला देना, स्पीड में कुछ चेंजेस लाना, ये सारे कुछ जो होते हैं आपके मालिशियस सॉफ्टवेयर के इफेक्ट हो सकते हैं। दस इट बिकम्स एसेंशियल दैट वी श्योर आवर सेफ्टी इन द साइबर वर्ल्ड। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारी सिस्टम की सिक्योरिटी को हम इंश्योर करें। सिक्योरिटी प्रोग्राम, इंस्टॉलिंग रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ मस्ट। द एंटीवायरस शुड बी रेगुलरली अपडेटेड। इट शुड ऑल्सो बी प्रोग्राम टू रेगुलरली स्कैन एंड क्वारंटाइन द सिस्टम। तो आपको ये हमेशा कहा जाता है कि आपका जो सिस्टम होता है उसमें एक अच्छा रिलायबल एक ट्रस्टवर्दी एंटीवायरस को आपको इंस्टॉल करना चाहिए और उसे रेगुलरली अपडेट भी करते रहना चाहिए। और इसे हमेशा आपको क्या, इसको ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि आपके रेगुलरली आपके सिस्टम को स्कैन भी करे और क्वारंटाइन, मतलब अगर कुछ ऐसा कुछ मालिशियस एक्टिविटी दिखे या कुछ भी तो उसे आप वैसे फाइल्स को वैसे आइटम को क्वारंटाइन किया जाए। इंस्टॉलेशन ऑफ फायरवॉल रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अनवांटेड साइट थ्रू एप्रोप्रिएट सेटिंग इन द ब्राउजर शुड ऑल्सो बी डन एज ए मैंडेटरी एक्ट। तो आपके कंप्यूटर में फायरवॉल का इंस्टॉलेशन भी बहुत जरूरी है ताकि आपके अनवांटेड साइट का जो होता है जो एक्सेस होता है वो बंद हो सके। सो सिक्योर इंटरनेट एक्सेस, वी विजिलेंट व्हेन एक्सेसिंग और एक्सेसिंग और अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ओनली सिक्योर साइट शुड बी यूज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नो पर्सनल इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड और सेव्ड ऑन एनी वेबसाइट। तो कहा जाता है कि आप हमेशा जब भी इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सिक्योर होना चाहिए, आप ऐसे सिक्योर साइट को यूज करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब आपको मनी ट्रांजेक्शन करने के लिए हमेशा ऐसी वेबसाइट को यूज करना चाहिए, ऐसे ऐप्स का यूज करना चाहिए जो सिक्योर होते हैं, सिक्योर होते हैं। फिर आपको ये और आपको कभी भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं उसे कहीं भी सेव नहीं करना चाहिए, नॉट इवन किसी भी वेबसाइट में नहीं, कहीं भी नहीं सेव करना चाहिए। इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एक्सेस शुड बी अवॉइडेड। और कभी भी ऐसी वेबसाइट से किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर या ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए जो अनऑथराइज्ड होते हैं। रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स, कीप योर एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड एट ऑल टाइम। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू सिक्योरिटी अपडेट्स एंड सिक्योरिटी बुलेटिन फॉर ई सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन यूज। तो आपको जितने भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए। अवॉइड स्पैम्स, मेल्स फ्रॉम अनवांटेड एंड अनवांटेड सोर्सेज शुड बी डिलीटेड विदाउट रीडिंग और डाउनलोडिंग। ऐसे मेल्स और ऐसे मैसेजेस जो कि मतलब आपके अनवांटेड जगह से है या जिसे आप नहीं पहचानते हो स्ट्रेंजर की तरफ से, तो वैसे मैसेज को वैसे मेल्स को डिलीट करना चाहिए बिना उसे पढ़े या डाउनलोड किए। एनी अटैचमेंट इन सच मेल्स शुड नेवर बी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड ऑन टू द सिस्टम। और इस तरह के मेल्स में किसी भी तरह का अटैचमेंट होता है तो उसे कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। बैकअप्स, टेकिंग बैकअप्स रेगुलरली इज ए गुड प्रैक्टिस। दिस इज नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डाटा लॉस बट ऑल्सो हेल्प्स टू रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। तो आपको जितने भी आपके डाटा होते हैं, फाइल्स होते हैं, वीडियोज, इमेजेस जो भी होते हैं, सबका बैकअप आपको रेगुलर आपको क्रिएट करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके डाटा लॉस जो होता है, जैसे आपको वायरस अटैक हुआ, मालवेयर अटैक हुआ, तो डाटा लॉस होते हैं वो आपको ये जो आप बैकअप तैयार करोगे तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। स्कैनिंग ऑल पोर्टेबल डिवाइसेज, स्कैन ऑल पोर्टेबल डिवाइसेज बिफोर यूज एज दीज आर द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन इन कंप्यूटर। पोर्टेबल डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इस तरह से जितने भी पोर्टेबल ड्राइव डिवाइसेज होते हैं इनको जब भी आप यूज करो तो उससे पहले यूज करने के बाद उसे स्कैन कर लो, क्योंकि ये बहुत कॉमन सोर्सेज होते हैं मालवेयर को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करने में। डिजेबल कुकीज इफ पॉसिबल, फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वी मस्ट डिजेबल कुकीज ऑन आवर ब्राउजर। तो अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना चाहते हो, स्प्रेड नहीं होना देना चाहते हो, तो आपको अपने ब्राउजर पे कुकीज को हमेशा डिजेबल रखना चाहिए। नेटिकेट्स, साइबर वर्ल्ड इज एन इवर इंक्रीजिंग मेस वेयर थाउजेंड ऑफ यूजर्स एंड मशीन आर एडेड टू द नेटवर्क ईच डे। इन सच ए वर्ल्ड इट बिकम्स इम्परेटिव दैट इट यूजर्स फॉलो सर्टेन गाइडेंस इंश्योरिंग सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो साइबर वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि अभी आपके नेटवर्क में, आपके इंटरनेट में बहुत सारे लोग डेली यूज हो रहे हैं, तो ऐसे वर्ल्ड में आपके बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस आपको फॉलो करना चाहिए। इंडल्जिंग और प्रोमोटिंग साइबर क्राइम्स इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फ्लेमिंग
आवश्यकता शुड बी अवॉइडेड, मतलब अगर आप इंटरनेट पे हो, एक्सेस करते हो, तो इस तरह का कुछ भी साइबर क्राइम लाइक साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, इस तरह का कुछ भी होता है तो उससे आपको तुरंत आपको अवॉइड करना चाहिए। द साइबर वर्ल्ड इज़ ए फेयरली सेफ प्लेस बट इट कैन बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस व्हेन वी टेंड टू कनेक्ट विद द अननोन। साइबर वर्ल्ड विच मीन्स इंटरनेट बहुत अच्छी जगह, बहुत बेनिफिशियल है, बट ये बहुत डेंजरस तब हो जाता है जब हम किसी अननोन पर ट्रस्ट करते हैं और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. The remaining topics of chapter 7 will be discussed in next video. Thank you.